देन गाइस रिजल्ट आप लोग के सामने, बैकग्राउंड एक झटके में हुआ ब्लर। एंड तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कुछ इस प्रकार का फेस स्मूथ एंड बैकग्राउंड को ब्लर करना। और फ्रेंड्स आप लोग फुल एचडी में कुछ इस प्रकार का अपने फेस को स्मूथ करना फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आप सब कर सकते हैं। और बैकग्राउंड को कुछ इस टाइप से ब्लर फ्रेंड्स, जो कि देखने में काफ़ी रियल लग रहा है। तो आप लोग इस वाली वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा और आपका भाई आप लोग को पूरा इस तरह का एडिटिंग जो होता है ना वो सिखा देगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये रहा हम लोग का ओरिजिनल पिक, और इसको ओपन करेंगे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। और यहाँ पे जो टूल्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। देन गाइस यहाँ पे एक ट्यून इमेज का ऑप्शन मिलेगा, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक करेंगे। देन इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाना है फ्रेंड्स। और एम्बियंस को पूरा 100 कर देना है, हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस में करना है फ्रेंड्स, जिससे कि इधर का जो लाइट ज़्यादा है वो सेम हो जाए। तो थोड़ा सा शेडोज को भी घटा लेते हैं फ्रेंड, एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। तो फिर अगेन हम लोग क्लिक करेंगे टूल्स पे, एंड यहाँ पे सिलेक्टिव का एक ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। और कुछ इस टाइप से डार्क एरिया में कुछ इस टाइप से आप लोग को इसको पंच करके छोटा बड़ा कर लेना है, और यहाँ थोड़ा सा लाइट को बढ़ा देना है। और यहाँ पे एक प्लस का आइकन मिलेगा नीचे की साइड, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखने को आप लोग मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे स्किन पे रखकर फ्रेंड्स इसके थोड़ा सिचुएशन को घटा देंगे, एंड राइट क्लिक कर देंगे फ्रेंड। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की साइड यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देंगे एंड फोटो को शेयर करेंगे। तो इसमें आने के बाद फ्रेंड्स लाइट रूम एप्लीकेशन में सबसे पहले तो लाइट्स का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जो कि आप लोग नीचे की साइड यूज करते हुए शायद जानते होंगे लाइट्स का ऑप्शन, कलर्स का इफेक्ट का। तो हम लोग को सबसे मतलब नहीं, यहाँ पे लाइट्स पे आएंगे और कंट्रास्ट को 60 के अक्रॉस इसको डिक्रीज करेंगे, एंड यहाँ पे सबसे नीचे ब्लैक है उसको भी उतना ही डिक्रीज करेंगे। एंड गाइस यहाँ से वाइट्स को फुली डिक्रीज करेंगे और हाइलाइट्स को भी फुली डिक्रीज करेंगे, शैडोज को फुल इंक्रीज करेंगे, और एक्सपोजर को 0.10% तक बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेंस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे 4%, सिचुएशन को भी 4% बढ़ा लेंगे। देन गाइज यहाँ पे आएगा आप लोग का यहाँ पे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टूल, ये मिक्स टूल, मिक्स टूल पे क्लिक करेंगे। देन गाइज आप लोग सबसे ज़्यादा ये तीनों ब्रश पे ध्यान दीजिएगा, जिस पे ट्रिक लगा है। तो सबसे पहले इस वाले पे आते हैं, ग्रीन वाले पे, इसके सिचुएशन को बढ़ा लेंगे, ह्यू को घटा देंगे। येल्लो वाले पे आएंगे, सिचुएशन को बढ़ा लेंगे, ह्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और यहाँ से लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और ग्रीन वाले के लुमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे आएंगे, लुमिनेंस को बढ़ाएंगे एंड सिचुएशन को थोड़ा सा घटाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे फेस पे लाइट आ गया है, आप लोग फेस पे लाइट आ गया ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पहले वाले पे आएंगे, सिचुएशन को बढ़ाएंगे, ह्यू को थोड़ा सा घटा देंगे फ्रेंड। एंड यहाँ से अब ब्लू वाला पे आएंगे, ब्लू वाला का सिचुएशन फुली डिक्रीज करेंगे, एंड इस वाला का भी फुली डिक्रीज सिचुएशन सिर्फ फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से डन करना है, डन करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स पे आने के बाद क्लियरिटी को फ्रेंड लगभग 25% तक बढ़ा लेना है, और टेक्सचर को थोड़ा सा 10% तक, डीएच को 8% तक बढ़ा लेंगे फ्रेंड। उसके बाद अब आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे हम लोग का, काफ़ी क्लियरिटी आ चुका है हम लोग फोटो में HDR। तो यहाँ पे अब शेयर टू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, और चलते हैं हम लोग अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। दोस्तों हम लोग को अपना पिक ऑटोडेस्क में आने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे एरो दिखा है, तो ये लाइब्रेरी का ऑप्शन आप लोग को खुल जाएगा। तो बहुत सारे ब्रश मिलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग का एक स्मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ये वाला ब्रश आप लोग ले लीजिएगा फ्रेंड, और जिस पे ये ट्रिक लगा रहे हैं, तो ये है स्मर्ज राउंड ब्रिस्टल ब्रश, और इसका सेटिंग्स आप लोग देख लीजिए।
सेटिंग्स पे क्लिक करके आप लोग फ्लो को 3% और स्ट्रेंथ को 15% रख लीजिएगा। और उसके बाद इस प्रकार से जूम करके यहाँ पे फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देखते रहिए, एक न्यू ऐप है उससे हम लोग करेंगे बैकग्राउंड को ब्लर। और चैनल पर नए होंगे तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विजिट करके, और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा मेरे भाई। मैं इसको फास्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने फेस को कर लिया स्मूथ, एंड यहाँ पे थोड़ा सा लिप्स को भी कर लेते हैं इस प्रकार से स्मूथ। एंड फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि फर्स्ट वाला है, और यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देंगे और न्यू ऐप में चलेंगे गाइज। फ्रेंड्स हम लोग का ये रहा न्यू ऐप जो कि आफ्टर फोकस, जो लोग इसे यूज करते हैं वो लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, अन्यथा आप लोग कुछ लोग इसमें से नहीं जानते होंगे तो आप लोग को मैंने सोचा बता दूं। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे तो कट कर देते हैं फ्रेंड्स। और जो हम लोग का बॉडी है फ्रेंड्स जैसे कि कुछ इस टाइप से, तो इसको पहले हम लोग ये वाला ब्रश रखकर हम लोग सॉरी ये वाला आइकन पे क्लिक करके हम लोग इसको इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं पेंट पहले अपने बॉडी पर। एंड उसके बाद इस वाला आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे जो कि थर्ड नंबर पे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लू हो गया, तो बैकग्राउंड पे यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे हम लोग का फेस सॉरी ये क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग के बॉडी पे थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स अधिक हो गया, मतलब बैकग्राउंड में वाइट लाइन चल गया है, तो इस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि 5वें नंबर पे है, इस पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से इस तरीके से इसको मिटा देंगे, और मिटाने के बाद इसको फिर से पेंट कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ से जहाँ जहाँ का हम लोग का हेयर थोड़ा सा हेड नहीं इसमें अप्लाई हुआ है, तो इस पर कुछ इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं अप्लाई। एंड अब फ्रेंड्स हम लोग देखते रहिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ से नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन गाइस रिजल्ट आप लोग के सामने। बैकग्राउंड एक झटके में हुआ ब्लर, एंड ब्लर का ओपासिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से फेदर जो है फ्रेंड्स इसको बहुत थोड़ा सा बढ़ाइएगा ज़रा सा, एंड आप लोग ब्लर को जितना मर्जी उतना रख सकते हैं आप लोग। सो यहाँ से हम लोग का बैकग्राउंड जो है कि अच्छे तरीके से ब्लर हो गया, आप लोग देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सेव कर देते हैं फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कर लेना।